शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पढ़े पीएम मोदी की शान में कसीदे। तारीफ के साथ साथ शत्रु ने पीएम मोदी को दी बड़ी सलाह। लोकसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा को भले ही पीएम मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन चुनाव के बाद पीएम को लेकर उनका नजरिया पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक कई मौकों पर उनकी तारीफ कर चुके हैं वो। हाल ही में उन्होंने ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात की, तेरा जादू चल गया कहकर तारीफ की थी, और अब उन्होंने जो कुछ कहा है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के बड़े मुरीद हो गए हैं। एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अपने एक ट्वीट में कांग्रेस नेता ने लिखा, मुझे यकीन है कि समय की जरूरत के हिसाब से काम करते हुए आप देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने एक और ट्वीट में पूर्व सांसद ने लिखा है, क्या आपको नहीं लगता है कि सर आरबीआई के सरप्लस को बेलआउट के लिए लेना सिर्फ अंतरिम समाधान है? कुछ के अनुसार देरी से उठाया गया छोटा कदम है। आरबीआई से लिए गए इस फंड के खर्च को लेकर हमारे विद्यान वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के बयान अवास्तविक और निराशाजनक है। शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान तब आया है जब कांग्रेस ने आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के फैसले पर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश को दिवालियापन की ओर धकेला जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 7 दिनों के भीतर अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आरबीआई से चुराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये किसी दवाखाने से बैंडेड चुरा गोली लगने से हुए घायल पर लगाने जैसा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह से मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम के भाषण की वो तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा वो 3 तलाक को लेकर भी पीएम की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी और अमेरिकी ट्रंप की केमिस्ट्री को देखकर शत्रुघ्न सिन्हा गदगद नजर आए थे। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।